और इस वक्त बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर एक बड़ा हादसा टला है। दरअसल किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई और बड़ा हादसा टला है। राहत की बात यह रही कि बोगी पलटी नहीं, पटरी से उतरी नहीं। यूपी के बिजनौर में बड़ा हादसा टला है, जहां पर दो हिस्सों में किसान एक्सप्रेस ट्रेन बट गई। बोगी में यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी भी सवार थे, बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। रेलवे के कर्मचारी अब बोगी को जोड़ने में जुटे हुए। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो किसान एक्सप्रेस है ये दो हिस्सों में बट गई। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो किसान एक्सप्रेस है। आप देखिए दो हिस्सों में बोगी बट गई। ट्रेन चल रही थी और जो इनकी कपलिंग है वो अलग हो गई। अब जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और एक बार फिर से इन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा हादसा टला है क्योंकि जिस तरीके से चलती ट्रेन दो हिस्सों में बटी, ये एक बड़े हादसे में भी तब्दील हो सकता था अगर बोगियां पटरी से उतर जाती या डिब्बे पलट जाते। तो ये तस्वीर हम बिजनौर की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई। हालांकि गनीमत की बात, राहत की बात ये रही कि ये जो ट्रेन थी दो हिस्सों में बटी, लेकिन डिरेल नहीं हुई, डिब्बे पलटे नहीं, वरना एक बार फिर से बड़ा हादसा होता। क्योंकि लगातार जो ट्रेन है, जो भारतीय रेल है, उसको लेकर अलग अलग घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर की, जहां पर किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई। हालांकि राहत की बात यही रही कि जो डिब्बे थे वो पटरी से नहीं उतरे, पलटे नहीं। और आप देखिए अब मौके पर जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, रेलवे का जो अमला है वो मौजूद है, और एक बार फिर से ट्रेन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।